हेलो फ्रेंड्स, सेलो टीम आज आपके लिए डिटेल कर रही है हैंड स्प्रिंट, स्टेटिक हैंड स्प्रिंट, जो हम हेमिप्लीजिया पेशेंट के लिए, जिनको पैरालिसिस अटैक वगैरह हो जाता है, अर्थराइटिस में जो पेशेंट होते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा हैंड स्प्रिंट है। अब आप देखेंगे, आज हम आपके इसके लिए जो डिटेल कर रहे हैं वो इसकी क्वालिटी के लिए कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में खासियत क्या है, आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पेशेंट जेंट्स हैं, आपने इसका साइज़ कैसे लेना है, या लेडीज़ हैं या बच्चे हैं। आप सबसे पहले पेशेंट का यहाँ से फिंगर टिप से लेकर के ये पाम की लाइन है, आपने यहाँ तक आप स्केल करेंगे कि पेशेंट का हाथ जो है वो यहाँ पर डायमेंशन आप दी गई है, तो आप उस डायमेंशन के हिसाब से पेशेंट अपनी लेंथ देखेंगे कि उनका 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच या 7 इंच, कितना बड़ा उनका हाथ है। अब हम बात करते हैं कि कोई पेशेंट जिनका 6 इंच का हाथ है, तो आप उनके लिए देखें, आप ये पेशेंट का हाथ यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6, 6.5, 7, ये पैरामीटर रहते हैं। मोस्टली क्या देखा जाता है, जो जेंट्स पेशेंट हैं उनकी ये फिंगर 3 और 3.5 इंच के आसपास होती हैं, तो उनको हम लार्ज हैंड देते हैं। जो एक्सट्रीमली या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, या जो पेशेंट जिनका हाथ या हम बोलें काफ़ी भारी है, उनके लिए एक्सेल लार्ज स्प्रिंट आता है, बट मोस्टली पेशेंट को लार्ज या हैंड, जो एडल्ट पेशेंट हैं जेंट्स, उनमें हम लार्ज देंगे। लेडीज पेशेंट, उनकी फिंगर या उनका पाम का साइज जो होता है वो छोटा होता है, तो वो आप मीडियम साइज देंगे। यहाँ पर डायमेंशन या आपको इसका हमने ग्राफ दे रखा है, जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से भी। लेकिन आप देखेंगे, अगर आपका यहाँ पर एनेक्चर के हिसाब से 6, 6.5 इंच या 1/2 इंच बड़ा भी है, तो आपके लिए अच्छी बात है। आप अपने हाथ को स्लाइटली आप ऊपर की तरफ करके बांधेंगे, तो आपके जो थंब की अबडक्शन पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी जी। इसके बांधने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप अपने हाथ को यूं लेंगे और अबडक्शन में पोजीशन में रखते हुए आप इस पर स्ट्रैपिंग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे इसकी खासियत क्या है। ये काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल से बनाया गया है, पॉलिश मटेरियल बैक साइड से किया गया है। अब हमें हाथ को यहाँ पर स्ट्रेंथ या रिजिड देने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी फिंगर वापस ना मुड़े नीचे से। इधर से काफ़ी स्टडी मटेरियल है, यहाँ पर हमें रिस्ट में ना ग्रिप चाहिए होती है। जब भी पेशेंट होते हैं, जो आप देखते हैं कई आपने प्रोडक्ट देखे होंगे, वो ना एल्युमिनियम या लोहे की चद्दर से काट के बनाए गए हैं या प्लास्टिक की शीट से बनाए गए हैं, वो यहाँ पर इतना चौड़ा सा प्रोडक्ट होता है, वो पेशेंट के हाथ में ग्रिप भी नहीं करता। सबसे पहले आप रिस्ट को ग्रिप करेंगे जी। जब आपकी यहाँ पर रिस्ट और ये फोरआर्म जब आपकी ग्रिप में आ गई, आपका हाथ कहीं भी दिक्कत से या किसी पोजीशन से, परेशानी से बाहर नहीं आएगा जी। अब कई पेशेंट सवाल करते हैं कि सर, मेरा तो सिर्फ फिंगर फिंगर में ही प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ रिस्ट तक का यहाँ कर दे दिए। मैं आपको, आप देखेंगे कि मैं उसको भी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा, कई लोग छोटा सा हैंड स्प्रिंट मांगते हैं। लेकिन जब आपका हाथ नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपका वेट कहाँ आएगा? अगर आपने यहाँ तक प्रोडक्ट लगाया, तो आपका सारा वेट यहीं पर आ जाएगा। आपको ये पीस या ये प्रोडक्ट की लेंथ यहाँ तक होनी चाहिए, ताकि आपका हाथ या आपकी बाजू में दर्द ना आए, प्रेशर ना आए। अब जो लोग छोटा सा प्रोडक्ट लेते हैं, जैसा कि आप देखते भी हैं बाजार में काफ़ी ऑर्डिनरी से प्रोडक्ट या हल्के प्रोडक्ट आ गए हैं, तो वो पूरा हाथ का वेट तो लेते हैं, लेकिन आपका हाथ का वेट कहाँ जाता है? वो यहाँ जाता है, आपकी नस या आपका जो फोरआर्म है वो यहाँ पर दब जाता है और वो थक जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम इस प्रोडक्ट को लगाते हैं, हमारी फिंगर और हमारा थंब जो होता है, वो काफ़ी ज़ोर से हमें बाहर की तरफ खींच रहा होता है। आप देखिए कि हमारा ये वेलक्रो काफ़ी एडजस्टेबल है, ये वेलक्रो हमारे फ्री हैं। आप इसको अपने यहाँ पे मेटाकार्पल का जो जॉइंट है, इस वेलक्रो को आप यहाँ नीचे, हमारा फ्री है। आप इसको इधर से या इधर से कहीं से भी आप निकाल करके अपने हैंड के लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसको यहाँ पर क्रॉस इस शेप में देना है यहाँ पर, आप तो अपने हाथ को यहाँ से यूं करके आप यूं टाई कर लेंगे जी, ये क्रॉस शेप में आ जाएगा। सबसे पहले हमारा हाथ फिंगर इस जगह पर प्रेशर महसूस करते हैं, और देन उसके बाद हमारी रिस्ट उठती है। मोस्टली जो आप बाजार में प्रोडक्ट देख रहे हैं, वहां पर 1, 2 या 3 वेलक्रो होते हैं, यहां पर हम आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 वेलक्रो दे रहे हैं। आप देखेंगे कि आपके फिंगर के बाद आपकी रिस्ट उठती है। मार्केट में जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, वहां पर आपकी रिस्ट को कवर करने के लिए वहां वेलक्रो ही नहीं है, यहां पर हम आपको फिंगर के बाद आपकी वेलक्रो को ग्रिप करेंगे। आपका हाथ यहाँ आ जाएगा, फिर आपकी रिस्ट उसके बाद में खिंचाव में नहीं आएगी। अब आप देखते हैं, यहाँ पर हमने थंब पर आपको 2 वेलक्रो अटैच किए हुए हैं। जब भी पेशेंट अपने खिंचाव महसूस करते हैं, उनको अर्थराइटिस का थोड़ा सा प्रेशर आता है, उनका हाथ यहाँ पर स्लाइटली मूव करता है जी। यहाँ हमने 2 वेलक्रो दिए रखे हैं,
आप मार्केट में देखते हैं वहां सिंगल वेलक्रो कोई थंब के टिप पर है या यहां पर है, वो रिवर्स करते ही उनका हाथ बाहर आ जाता है, बट ऐसा नहीं होगा ये। अब जनरली आप देखेंगे कि इसमें जो हमने यहां पर रबड़ पैडिंग यूज किया गया है वो एक स्किन फ्रेंडली है। मोस्टली कई रबड़ आप ऐसे देखते हैं कि लोकल बाजार में या कुछ हिस्सा होते हैं वहां पर रबड़ हमें इरिटेशन कर देते हैं। हमारी कोशिश है कि हम पेशेंट को एक अच्छा प्रोडक्ट दें, काफी लाइट वेट दें और स्टडी दें। अब आप क्या देखिए, यहाँ पर रिस्ट में एक हमने फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज किया है, यहाँ पर हमारा जो है एक स्टडी मटेरियल यूज किया गया है, यहाँ पर आपकी रिस्ट जो होती है ग्रिप में आ जाती है, आपका हाथ इधर या उधर फिर नहीं जाता जी। हमें कई बार पेशेंट का हाथ जो होता है वो इन्वर्जन या वी वर्जन में भी घूम जाता है, हम अपने वेलक्रो से इसको अंदर की तरफ प्रेस करके अपना अच्छी सी पोजीशन दे सकते हैं, हमारा हाथ पूरा स्लाइटली अच्छे से यहाँ पर आ जाएगा जी। आप देखिए ये बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रोडक्ट है, पेशेंट सारी रात इसको पहन सकते हैं, काफी लाइट वेट और स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है जी। थैंक यू वेरी मच।